नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि न्यायिक संस्कृति कौन ले सकता है तथा इसकी क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है लेने का। इन अदर वर्ड्स, हु कैन टेक जुडिशियल कन्फेशन एंड व्हाट आर इट्स प्रोसीजर फॉर इट्स रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड, अगले स्लाइड पर चलते हैं और न्यायिक संस्कृति या जुडिशियल कन्फेशन के तरीके को समझने का प्रयास करते हैं। कन्फेशन या संस्कृति का सीधा मतलब होता है गुनाह का कबूल करना, यानी एडमिशन ऑफ गिल्ट ऑफ एनी ऑफेंस। तो जब भी कोई आरोपित व्यक्ति अपने गुनाह को कबूल करता है और खासकर मजिस्ट्रेट के समक्ष, चाहे जुडिशल मजिस्ट्रेट हो या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हो, तो उस एडमिशन को, जिसमें गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड की स्वीकृति हो रही है, एडमिशन हो रही है, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन कौन ले सकते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है, इसे समझने के लिए हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 164 को देखना पड़ेगा, जो आपके समक्ष स्लाइड पे आ रहा है। यह है 164 सबसेक्शन 1। इसमें इसकी जो वर्डिंग है वो ये है कि एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी हो सकते हैं, वेदर ही हैज ज्यूरिडिक्शन और नॉट, वो क्षेत्राधिकार में है या नहीं, यानी जो जिससे कन्फेशन कराया जा रहा है उनका ज्यूरिडिक्शन आ रहा है नहीं आ रहा, इससे मतलब नहीं है, बस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो और जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, उनके पास ये पावर है कि वो कन्फेशन यानी किसी भी आरोपित व्यक्ति की संस्कृति यानी रिलेटेड टू द क्राइम कोई भी कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बस शर्त क्या है कि प्रक्रिया में जो आता है कि जो व्यक्ति संस्कृति कर रहा हो वो वॉलंटरी होना चाहिए, स्वेच्छा से कर रहा हो, ठीक है, और कन्फेशन है या विक्टिम जो भी इसको प्रस्तुत किया गया है, और ये प्रक्रिया जो है तब होनी चाहिए जब इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण चल रहा हो और एनी टाइम बिफोर द कमिसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। ये कंडीशन है, यानी कि पहला महानगर मजिस्ट्रेट हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, क्षेत्राधिकार हो, उससे मतलब नहीं है, और जो कन्फेशन कर रहा है वो स्वेच्छा से कर रहा हो, और ये तभी होगा जब अन्वेषण चल रहा हो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, ठीक है, या किसी भी समय इंक्वायरी और ट्रायल चलने से पहले पहले कन्फेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक, उसके बाद की रिकॉर्डिंग फिर मान नहीं होगा, फिर वो विटनेस स्टेटमेंट में आ जाएगा। ठीक, नाउ प्रोवाइडेड क्या है कि दैट एनी सच कन्फेशन और स्टेटमेंट में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट और पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कन्फेशन कर रहा है उसका वकील होना चाहिए, ठीक है, और अगर वो पर्सनली मजिस्ट्रेट के पास नहीं आ पा रहा है तो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। पुलिस भी अन्वेषण के दौरान यानी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर कोई आरोपित व्यक्ति कन्फेशन करना चाह रहा है, अपने जुर्म का कबूल करना चाह रहा है, तो पुलिस ऐसे कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे जिससे कि फ्यूचर ट्रायल में वो अपने बात से मुकर ना जाए। ठीक है, ये बात अलग है कि ऐसा कन्फेशन का साक्ष्य में ग्राहता नहीं मिलेगा, यानी कि इसको एडमिट नहीं किया जाएगा। हाँ, ये बात है कि सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत इसे कॉन्ट्रडिक्शन या प्रति परीक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया सकता है, लेकिन और साक्ष्य की तरह से ग्राह नहीं किया जाएगा। ठीक, दूसरा है 164 सबसेक्शन 2 का प्रिकॉशन, यानी कि कन्फेशन लेने से पहले कुछ प्रिकॉशन फॉलो करना जरूरी है, और वो ये है कि मजिस्ट्रेट जो है, जो कन्फेशन है, उसको पहले वार्न करेंगे। क्या कहेंगे कि पहली बात, ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन,
यानी जो संस्कृति कर रहा है, किसी अपराध को स्वीकार कर रहा है, तो उसे इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये बताया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा कि जो वो कन्फेशन कर रहा है उसे साक्ष्य के तौर पे उसके खिलाफ भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो भी कह रहा है वो उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल उसके खिलाफ भविष्य में की जा सकती है। इस दो चीज़ को वार्निंग देना जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अक्यूज को 24 घंटे पहले, यानी कन्फेशन लेने से 24 घंटे पहले जुडिशल कस्टडी में लेना जरूरी है, जिससे अच्छा से अपने अपराध को स्वीकार कर सके और उस पर पुलिस का कोई भी प्रभाव ना दिखे। क्योंकि 24 घंटे पहले नहीं लेंगे तो हो सकता है पुलिस जो है उसे इतना टॉर्चर कर दे कि मजबूर होकर वही बात कहे जो पुलिस कहना चाह रही है। ठीक है, इस बात को 24 घंटे लेने का जो प्रक्रिया है वो एपेक्स कोर्ट ने दो जजमेंट में हेल्ड भी किया हुआ है। पहला केस लॉ है सरवन सिंह वर्सेस पंजाब सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा है स्टेट वर्सेस दुलारा हजारा 1997 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों में मुकदमों में एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि कन्फेशन लेने से पहले आरोपित व्यक्ति को 24 घंटे पहले जुडिशल कस्टडी में लेना आवश्यक है, जिससे कि पुलिस का प्रभाव जो है कम से कम उसके ऊपर रहे और वह स्वेच्छा से अपनी बात कह सके जो वो कहना चाह रहा है। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 164 में यह बात कही गई कि कन्फेशन लेने के दौरान किसी भी समय जो आरोपित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आया हुआ है और वो कहता है कि वो संस्वीकृति नहीं करना चाहता, यानी कन्फेशन नहीं करना चाहता है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को कभी भी पुलिस कस्टडी में डिटेंशन का आदेश नहीं देगा। क्योंकि कन्फेशन जो स्वीकृति से करना चाह रहा था अब वो नहीं कर रहा है, यानी कोई मानसिक दबाव आ गया है, तो अगर वापस पुलिस कस्टडी भेज दी गई तो हो सकता है कि और भी मानसिक स्थिति उसकी ख़राब हो जाए, तो इसलिए ऐसे कंडीशन पे उसे वापस जुडिशल कस्टडी भेजा जाएगा, पुलिस कस्टडी में नहीं भेजी जाएगी। नाउ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 164 जो कि सेक्शन 281 के साथ रेड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, और सेक्शन 281 ऑफ द सीआरपीसी कहता है रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कि जो अक्यूज का एग्जामिनेशन हो रहा है या कन्फेशन रिकॉर्ड की जा रही है उसको कैसा रिकॉर्डिंग की जाएगी उसको प्रक्रिया के बारे में और इसको बताया गया है। जैसे पहला है कि कन्फेशन आर रिकॉर्डेड इन द सेम वे एट द स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, जैसे एक आरोपित व्यक्ति अपना बयान देता है उससे कन्फेशन रिकॉर्ड की जाएगी। दूसरा कि अक्यूज शैल बी एग्जामिन्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, और ऐसे आरोपित व्यक्ति को ऐसे भाषा में उसका एग्जामिनेशन होगा, परीक्षण होगा, जैसा कि न्यायालय की भाषा है। ठीक, दूसरी प्रक्रिया ये है कि आरोपित व्यक्ति का जो परीक्षण है वो क्वेश्चन एंड आंसर यानी प्रश्न और उत्तर के तौर पे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरी बात है एग्जामिनेशन जो रिकॉर्ड किया जाएगा मस्ट बी शोन टू द अक्यूज्ड एंड बी अलाउड टू रीड एन अमेंड द आंसर, यानी कि एक बार जो उसने संस्कृति कर दी है, जो कन्फेशन कर दिया है, उसको पढ़ा जाएगा अक्यूज के सामने, जिसने कहा है उसके सामने ही किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, और अगर वो उसमें कोई करेक्शन करना चाहता है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट करना चाहता है तो उसे अमेंडमेंट करने दिया जाए। ठीक, और जब ये फाइनली जब ओके हो जाए तो उसके बाद जो है वो आरोपित व्यक्ति जिसने कन्फेशन किया हुआ है उस पर वो फाइनल नीचे साइन कर देगा और मजिस्ट्रेट जो है उसका मेमोरेंडम बनाएंगे, मेमोरेंडम जितने रिकॉर्ड किया हुआ है, और अपने हाथों से लिखेंगे कि एग्जामिनेशन आर टेकन, जो भी एग्जामिनेशन का रिकॉर्डिंग हुआ है वो उसके समक्ष हुआ है, इनकी उपस्थिति में हुआ है, एज वेल एज सेड रिकॉर्ड कंटेंस फुल एंड ट्रू अकाउंट, यानी कि जो भी स्टेटमेंट इसमें है वो फुल और ट्रू अकाउंट है, इसमें कोई हेरफेर नहीं की गई है, जैसा उसने कहा वैसा लिख दिया गया है, और फिर फाइनली जो है मजिस्ट्रेट भी उसमें साइन कर देगा, तब जाके कन्फेशन जो है एक तैयार हो जाएगा साक्ष्य के तौर पर ट्रायल में पेश करने के लिए। सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 164 ये कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन, यानी जिसमें अपराध की स्वीकृति नहीं है, उसको छोड़ के कोई भी बयान आरोपित व्यक्ति का वो शपथ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और इन द मैनर एज द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट, जैसा मजिस्ट्रेट चाहे उस तरह से उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा 5A 2013 में जोड़ा गया है, इसमें यह कहा गया है कि इन केसेस ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354, 354A to D, 376, 376A to E, 354 जो है ये आउटरेज मजिस्ट्रेट से संबंधित है, 376 सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित है, तो भारतीय दंड संहिता के ये सेक्शंस हैं और इसके अंतर्गत
किसी विक्टिम यानी जो भुक्तभोगी है ऐसे अपराध का, और ऐसे विक्टिम का कोई अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट को चाहिए कि उस विक्टिम का उसी प्रकार से ऐसे स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग करे जैसे सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 164 दिया गया है, यानी कि वो ओथ पर रिकॉर्ड होगा क्योंकि इसमें विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है, वो शपथ पे ले सकते हैं। लेकिन कोई कन्फेशन अगर है तो वो ओथ पे नहीं होगा क्योंकि वो वॉलंटरली अक्यूज्ड कर रहा होता है, तो इसलिए अगर उसे ओथ पे लिया जाएगा तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, उसकी जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो खत्म हो जाएगा, सत्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए जो कन्फेशन है वो कभी भी ओथ पे नहीं ली जाती, लेकिन अदर देन कन्फेशन जितने स्टेटमेंट है वो सबसेक्शन 5 के अंतर्गत ओथ पे ली जाती है, ठीक। अब सबसेक्शन 5A का एक प्रोविजो है जो कि बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट कर रही है और वो टेम्पोरली या परमानेंटली या फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, मानसिक या शारीरिक रूप से, आंशिक या पूर्ण रूप से अगर वो असक्षम है, तो मजिस्ट्रेट जो है ऐसे विक्टिम को असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, इंटरप्रेटर या स्पेशल एडुकेटर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उसका स्टेटमेंट वीडियोग्राफ किया जाएगा, ठीक। अब है सेक्शन 463 ऑफ द सीआरपीसी जो ये कहता है कि ओरल एविडेंस भी दिया जा सकता है कि भाई जो कन्फेशन की गई है उसका सारी प्रक्रिया फॉलो की गई है, यानी कि 164 में जो जुडिशियल कन्फेशन हुआ है उसका सारे प्रोसीजर को विधिवत फॉलो किया गया है, इस चीज़ को एक मौखिक साक्ष्य देना पड़ेगा। अब ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे होगा इसके बारे में है कि सच स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी यूज्ड एज सब्सटेंटिव एंड कोरोबोरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 303 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है या जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा उसको सस्टेंट यानी सारभान साक्ष्य की तरह या संपोषक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जाता है, खासकर 313 में जब अक्यूज का एग्जामिनेशन होता है उस समय इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे साक्ष्य के आधार पर आरोपित व्यक्ति का कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि भी साबित की जा सकती है, यानी दोषित भी किया सकती है अगर वो जो स्टेटमेंट से दिया हुआ है वो अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस जो स्वतंत्र साक्ष्य उससे कोरोबेट यानी संपोषक हो जाता है, तो फिर ये जो संस्कृति है इसके आधार पर आरोपित व्यक्ति को दोषयुक्त किया जा सकता है। अपेक्स कोर्ट ने भगवान सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश 2003 में कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन की हुई है जिसके अंतर्गत किसी भी कन्फेशन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, और उन्होंने बताया कि सेक्शन 164 में जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा तो ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो कि 5 पॉइंट्स हैं उसको कंसिडर किया है बाय द मजिस्ट्रेट। पहला, मजिस्ट्रेट जो है जब भी कन्फेशन करे तो इन पर्टिकुलरली यानी पर्सनली वो पूछे आरोपित व्यक्ति से कि वो क्यों कन्फेशन करना चाह रहा है, ऐसा स्टेटमेंट क्यों देना चाह रहा है जो कि उसके खिलाफ ही जाएगा, पहली बात। दूसरा, अक्यूज्ड शुड बी ग्रांटेड सफिशिएंट टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, यानी कि उसको उपयुक्त समय मिलना चाहिए खासकर तब जब वो अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हो। तीसरी बात, अक्यूज्ड शुड बी अश्योर्ड, अक्यूज्ड आरोपित व्यक्ति को इस बात का अश्योरेंस होना चाहिए कि उसके साथ पूरा प्रोटेक्शन है यानी पूरी सुरक्षा गारंटी उसके पास रहेगी और किसी प्रकार का टॉर्चर या प्रेशर फ्रॉम द पुलिस या और उसे समकक्ष ऐसा नहीं किया जाएगा, पुलिस का कोई प्रभाव नहीं रहेगा कि वो स्वीकृति करे ही अपने अपराध को स्वीकार करे, अपने गिल्ट को स्वीकार करे, वो इस बात की बात करने के लिए कोई भी संस्था उसके खिलाफ नहीं जाएगी, इस बात की सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि कन्फेशन हमेशा जो है प्रश्न और उत्तर यानी क्वेश्चन और आंसर को फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाए, ठीक। और लास्टली है कि रिकॉर्डिंग करने से पहले पहले इस बात की इंक्वायरी कर लिया जाए कि जो आरोपित व्यक्ति है वो कहाँ से आ रहा है, किस कस्टडी से आ रहा है, पुलिस कस्टडी से आ रहा है, जुडिशियल कस्टडी से आ रहा है, क्योंकि कन्फेशन करने से पहले 24 घंटे एटलीस्ट उसे जुडिशियल कस्टडी रहना जरूरी है। अगर पुलिस कस्टडी से आ रहा है तो उसका कन्फेशन ना रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। और ये इस बात का अश्योरेंस किया जाता है कि किस कस्टडी से आ रहा है, इसके पीछे तात्पर्य ये है कि ऐसा तो नहीं कि कोई बाहरी प्रभाव है, तो बाहरी प्रभाव को रोकने के लिए किसी और के कहने पर अपने आप को गिल्ट करने की अपेक्षा उसे इस बात का सेल्फ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए
कि जो भी वो संस्कृति कर रहा है वो स्वेच्छा से कर रहा है, किसी बाहरी दबाव के अंतर्गत नहीं कर रहा है। इस बात का अश्योरेंस की गारंटी अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट को ये चाहिए कि आरोपित व्यक्ति जो जिससे संस्कृति ली जा रही है उस बात को अश्योर करे, उसके बाद ही उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करे। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में हम नैप्रस्ट, उसके सोल्यूशन, उससे संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।